हे गाइस, ऑब इंट्रो होगी बाद में। पहले आपको बता दें कि जिस चीज का सभी को बेसब्री से इंतजार था, सो फाइनली ये भी NCHM JEE 2021 का रिजल्ट आ गया है। इस रिजल्ट को देखने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने NTA के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूं। जैसे ही आप वहां पर क्लिक करोगे, आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होकर के आ जाता है। अब यहां पर आप देख लोगे न्यूज एंड इवेंट्स में नीचे दिया गया है पब्लिक नोटिस, 10 तारीख का है, 10/9/2021 का रिजल्ट ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम NCHM JEE 2021। इस पे जैसे आप क्लिक करते हो, आपके सामने में इस तरह से एक पब्लिक नोटिस ओपन होकर के आ जाता है। अब इस पब्लिक नोटिस में ही स्कोर कार्ड देखने का, जो आपका रिजल्ट है उसको देखने का भी लिंक दिया गया है, लेकिन मैं ये भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूं, जहां से आप डायरेक्टली वहां पे आ जाओगे, जहां से आप रिजल्ट देख सकते हो। जैसा कि आप यहां पे इस पब्लिक नोटिस में देख लोगे, इसको ध्यान से पढ़ लेना। अभी मैं इसको बताऊं उतना मेरे पास टाइम है नहीं, क्योंकि जल्दी से अपडेट करना है आप सभी के लिए। तो स्कोर कार्ड ऑफ द कैंडिडेट्स आर नाउ होस्टेड ऑन द वेबसाइट। तो यहां जो लिंक दिया गया, इस पर जैसे आप क्लिक करते हो, आपके सामने में इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होकर के आ जाता है। अब यहां पे आप देख लोगे रिजल्ट्स 2021 दिया गया है। यहां पे लिस्ट ऑफ रिजल्ट में सबसे ऊपर में ही आप देख लोगे NCHM JEE 2021 रिजल्ट है। अनाउंस डेट भी दिया गया है यहां पे 10/9/2021। तो इस पे सिंपली हम लोगों ने क्लिक कर देना। जैसे यहां पे आप क्लिक करते हो, आपके सामने में एक और नया इंटरफेस ओपन होकर के आ जाता है। यहां पे आपको आपका एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और सिक्योरिटी पिन देकर के सिंपली सबमिट कर देना है। सिक्योरिटी पिन यहां पे दिया गया होता है, ये कैप्चा सा, इसको आप जैसे ही फिल करके नीचे सबमिट करते हो, आपका जो रिजल्ट है, जो स्कोर कार्ड है, वो इस तरह से ओपन होकर के आ जाता है। अब यहाँ पे आप देख लोगे आपका एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, कैटेगरी एंड कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड फाइनली ऑल इंडिया रैंक AIR भी यहाँ पे दिया गया है, और साथ ही टोटल मार्क्स भी यहाँ पे दिया गया है। और इसी के साथ साथ रिमार्क्स में आप देख लोगे एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, यानी कि आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। आपने इस NTA के NCHM JEE का जो एग्ज़ाम था, जो NTA कंडक्ट करवाता है, इस एग्ज़ाम को आपने क्रैक कर लिया है और आप काउंसलिंग प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो। अब आगे हम लोग पूरी डिटेल से बात करेंगे, इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में, क्योंकि अभी ये वीडियो डालने की जल्दी है। इसलिए अगले वीडियो में बात करेंगे कि काउंसलिंग प्रोसेस में क्या कैसे होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, किस तरह से काउंसलिंग प्रोसेस करना है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो NCHM CT JEE और NCHM काउंसलिंग से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए होटल मैनेजमेंट हेल्पर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। याद रखना, अगर काउंसलिंग सही तरीके से नहीं करोगे तो जो भी आपका डिजायर कॉलेज है, मिलता हुआ कॉलेज भी हाथ से छूट जाएगा। इसलिए काउंसलिंग प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और पसंद आया ही होगा, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो यार, सभी को पता चले कि रिजल्ट आ गया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।